What's up everyone, welcome back to the channel. तो मेरा Instagram हो या मेरा comment section हो, इस time पे वो सभी एक continuous question से भरा हुआ था कि सर what should be the best time table. मेरे बच्चे बहुत सारे messages कर रहे थे कि सर एक अच्छा time table क्या हो सकता है. Time table से related एक idea दे दो कि हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं और maximum score कर सकते हैं. तो target हमारा रहने वाला है 98% से 100%. हमारे स्टूडेंट्स हर साल लेके आते हैं, इवन इस साल भी लेके आए हैं. और अब ये जो बैच जिसके बोर्ड एग्जाम्स होंगे या जो बच्चे अभी 11th में आए हैं, उन्हें किस तरीके से अपना टारगेट बनाना है, किस तरीके से चीज़ें बैलेंस करनी है, ये सब आज हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में. तो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखना. आइए लेट्स बिगिन. अब जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो टाइम टेबल में सबसे पहले तो ये समझो कि जो मेरा टाइम टेबल है वो आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते हो, और जो आपका टाइम टेबल है वो मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकता हूँ. हर इंडिविजुअल की अपनी अलग कैपेसिटी होती है, हर इंडिविजुअल की अपनी अलग सिचुएशंस होती हैं, हर इंडिविजुअल की अपनी अलग फैमिली कंडीशंस होती हैं, सिस्टम्स होते हैं जिस बेसिस पे वो टाइम टेबल बनाता है. तो ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक आइडिया मैं आपको दूंगा कि टाइम टेबल किस तरीके से होना चाहिए, और वो आइडिया आपको बहुत मदद करेगा अपनी स्टडीज को आगे लेके जाने के लिए. प्लस हम बहुत सारी और चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि अब हाफ ईयरलीज अप्रोच कर रहे हैं और हमें 12th वालों को तो बोर्ड्स के लिए भी जाना है और 11th वालों को हाफ ईयरलीज को देखना है कैसे करना है. तो चलो सबसे पहले अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो पहला चीज़ आता है हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, और दूसरा सवाल आता है हाउ मच टू स्टडी, कितना पढ़ना है. तो जो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है पढ़ें कैसे, दूसरा आता है कि कितने घंटे पढ़ें. ये मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चे सवाल पूछते हैं. तो इसके अंदर आपको सबसे पहले एक चीज़ सीखनी है कि आपको पहले तो बैलेंस करना आना चाहिए आपका स्कूल, अगर आपके कोई ट्यूशंस हैं तो ट्यूशंस, और आपका सेल्फ स्टडी. सबसे पहले तो ये पकड़ो कि तुम लोग को ये तीन चीज़ें बैलेंस करनी आनी चाहिए कि भाई मेरा स्कूल कितने नंबर ऑफ आवर्स ले रहा है, मेरा ट्यूशन कितने नंबर ऑफ आवर्स ले रहा है, मेरी सेल्फ स्टडी कितना घंटा मैं कर रहा हूँ. अब इसके अंदर कुछ प्रो टिप्स हैं जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले स्कूल अगर हो सकता है तो देखा करो कि कितनी आप लोग सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि आजकल के स्कूल्स में बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इसके ऊपर ध्यान कम है, बस अटेंडेंस का ध्यान लगा के बैठे हुए हैं कि भाई साहब बच्चा आना चाहिए, पढ़ता है या नहीं पढ़ता है इससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क क्या पड़ता है कि भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो फोन कर देंगे, फाइन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. अरे भाई ये तो देख लो कि वो पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो भी रही है या नहीं हो रही है, या तुम सिर्फ और सिर्फ उसका करियर में टाइम वेस्ट करने के लिए उसको स्कूल बुला रहे हो. तो सबसे पहले तो आप ये बैलेंस करो कि आपको स्कूल कितना देर जाना है, कितना दिन जाना है, और अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करो, वहाँ पे बैठ के सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि तुम्हें पता है, सबको पता है कितनी पढ़ाइयाँ हो रही हैं. तो स्कूल में टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी करो वहाँ बैठ के, फ्री पीरियड्स में फ्री मत घूमो, सेल्फ स्टडी करो. अगर तुमने दो क्वेश्चन भी बना लिए तो महीने के अंदर 30 दिन में से अगर तुम 20 दिन भी स्कूल गए रहो, दो क्वेश्चन बनाए, तो 40 क्वेश्चन तुम लोग स्ट्रांग हो चुके हो. देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ों से बड़े चीज़ें हाथ आती हैं. उसके बाद ट्यूशन अगर आपकी है तो ट्यूशंस के बीच में गैप ना हो यार. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनके ट्यूशंस के बीच में गैप होता है. सर गैप कैसा, जैसे वो पहला ट्यूशन जाएंगे 2 से 3, उसके बाद फिर 3 से 3.5 उनका कोई ट्यूशन नहीं है, फिर उनका ट्यूशन है 3:40 से 4:40, उसके बाद उनका 4:40 से कोई ट्यूशन नहीं है, फिर उनका ट्यूशन है 5:15 से 6:15. तो बेसिकली उन्होंने 2 बजे से लेके 6:15 तक, घर पहुँचेगा 15 मिनट में, 6:30 तक 3 घंटे का काम करा, और उसको ये पता भी नहीं चला कि उसके 4.5 घंटे लग गए हैं. 1.5 आवर यहाँ पे वेस्ट हो गया है, यहाँ पे 1.5 घंटा वेस्ट हो गया है. तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको इसको कट डाउन करना है, ये जो गैप है ना इसको कट डाउन करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तुम बहुत सारा टाइम खो रहे हो. तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को कोशिश करनी है कि अंडर वन रूफ सारे सब्जेक्ट्स हो जाएं. अगर आप ट्यूशंस पढ़ रहे हो और आप 1 से 2 से 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो सब कुछ कॉन्टीन्यूअस हो, आपका ट्यूशंस में गैप नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले गैप को ख़त्म करो. दूसरी बात, कोशिश करो कि आप बहुत दूर ना जाओ, यानी कि जो डिस्टेंस है
वो आपके घर के आसपास होना चाहिए, बहुत दूर ना हो, आपका गैप कम से कम, आपका समय कम से कम वेस्ट होना चाहिए। आप 5 मिनट में पहुंच रहे हो, 5 मिनट में घर पहुंच रहे हो, इतना ही गैप होना चाहिए, टाइम सेव करना है। उसके बाद देखो तुम लोग यहीं से बहुत सारा टाइम बचा लोगे, स्कूल से तुम्हारा टाइम बच गया, ट्यूशन में तुम्हारा टाइम बच गया, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना है। हाउ टू सेल्फ स्टडी, कितना घंटा तुम लोग देने वाले हो अपने सब्जेक्ट्स को, किस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो। सेल्फ स्टडी में आपको याद रखना है कि अकाउंटेंसी, अगर आप साइंस स्टूडेंट भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेन सब्जेक्ट्स आप कोई भी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, मैथ्स, ये आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कॉन्टीन्यूअस पढ़ने हैं, मतलब इनकी प्रैक्टिस आपको कॉमर्स में बहुत चाहिए, अकाउंट्स और मैथ्स हो। बीएसटी को कैसे सिस्टमेटिक अप्रोच में लेके चलना है वो मैं तुम लोग को भी बताने वाला हूँ। तो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी यार, और मेरे हिसाब से अभी तो एग्जाम टाइम है, तो एग्जाम टाइम में आपको कम से कम डेली 3 to 4 hours की सेल्फ स्टडी चाहिए। 3 से 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, जिसके अंदर यू हैव टू यूटिलाइज योर वीकेंड्स। मतलब कसम खा लो भाई साहब कि सैटरडे संडे को तो बहुत दबाकेदार पढ़ना है, सैटरडे को स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और संडे तो तुम्हारा ऑफ होता ही है, तो तुम्हारे जो 2 दिन है ना ये बहुत प्रोडक्टिव होने चाहिए। अगर तुम फ्राइडे को स्कूल जा रहे हो तो फ्राइडे आफ्टर स्कूल आते ही तुम्हारा ये प्रोडक्टिव शेड्यूल शुरू हो जाना चाहिए। तो फ्राइडे का आधा दिन 0.5, एक दिन सैटरडे का, एक दिन संडे का, तो तुम्हारे ये जो 2.5 दिन है ना, 2.5 days, ये कैलकुलेटिवली, थोड़ा कैलकुलेटिवली चलो, तुम्हारे बहुत स्ट्रेंथ वाले दिन होने चाहिए, समझे। इस तरीके से तुम्हारा टाइम टेबल बनना चाहिए। तो पहले तो ये 3 चीज सॉर्ट करो, अपना स्कूल देखो, ट्यूशन देखो, सेल्फ स्टडी देखो, इसे सॉर्ट करके एक बेस्ट शेड्यूल बनाओ। इसके बाद क्या करना है, अब हाउ टू स्टडी, सर किस तरीके से पढ़ना है। अब आपको पढ़ना जब है तो जो मेरे हिसाब से बेस्ट शेड्यूल होता है वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिलहाल आराम का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्स हैं, करियर बनाना है, अपने लिए पढ़ना है, आगे बढ़ना है ना, तो आराम वराम छोड़ो, सिर्फ स्लीप अपनी पूरी कर लो कि हाँ भाई तुम लोग 6 से 8 घंटा सो रहे हो, दिस इज सफिशिएंट, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है ना भाई। अब कोई 4 घंटे सो रहा है बहुत अच्छा है, अगर आपका हैबिट है आप 4 घंटे में काम चला लेते हो तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना कि आप 4 घंटे, मैं आपको कहूँ कि भाई 4 घंटे सोना है और आप 4 घंटा सोना शुरू कर दो, पूरा दिन तुम नींद ही आ रही है तुम्हें, तुम पढ़ भी नहीं पा रहे, वो बेकार है। 6 घंटे सो सकते हो, 6 घंटा ही सफिशिएंट मेरे हिसाब से, 8 मैं उनके लिए लिख रहा हूँ, कुछ होते हैं ना हमारे चिंटू ऐसे हैं, चिंटी ऐसी हैं जिन्हें मज़ा नहीं आता जब तक सोए ना, तो 6 से 8 घंटा सो सकते हो। अब देखो मंडे से लेके फ्राइडे तक यहाँ पे तुम्हें डेली अकाउंट्स और मैथ्स अगर तुम्हारे पास है तो पढ़ना ही पढ़ना है, अकाउंट्स और मैथ्स अगर आपके पास है तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब आपके मेजर 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है जी। तीसरा सब्जेक्ट आप यहाँ पे लगा लो इकोनॉमिक्स, इको इको, वेंसडे को मत पढ़ो, थर्सडे को पढ़ो, फ्राइडे को पढ़ो, ठीक है जी। तो आपका मंडे अकाउंट्स मैथ्स इको तुम्हें लेना है, ट्यूसडे में भी अकाउंट्स मैथ्स इको, वेडनेसडे को थोड़ा रेस्ट लो, अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ो, अगर आप नॉन मैथ्स हो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। थर्सडे को फिर से अकाउंट्स मैथ्स सीखो, फ्राइडे को फिर से अकाउंट्स मैथ्स सीखो। अब इको मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इको में 2 सेगमेंट है आपके पास, मैक्रो और इंडियन इको, तो आप लोग शुरू के 2 दिन में मैक्रो लगा लो और अगले 2 दिन में इंडियन इको लगा लो, तो ये आपका शुरू के 5 दिन का शेड्यूल होना चाहिए, आप शुरू के 5 दिन में ये कवर करके चल रहे हो। उसके बाद सर सैटरडे और संडे को क्या करना है, सैटरडे और संडे को बीएसटी की बल्क स्टडी करनी है, साथ में इंग्लिश, ठीक है जी। अब अगर आपके पास मैथ्स की जगह कोई और सब्जेक्ट है तो आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो, लाइक फिजिकल है या कुछ और है, तो आप अपने हिसाब से बैलेंस आउट कर सकते हो। मैंने बीएसटी यहाँ पे क्यों रखा है, देखो बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मांगता है, कम एफर्ट में हो जाता है बिजनेस स्टडीज, कम एफर्ट में कैसे हो जाएगा बिजनेस स्टडीज, देखो बिजनेस स्टडीज में चाहे 11th हो चाहे 12th हो, 10 से 12 चैप्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 चैप्टर होते हैं। अब अगर मैं 12th बोर्ड्स की बात करूं, आपके पास 12 चैप्टर है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो 2 दिन से ज़्यादा ले ले, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो 2 दिन से ज़्यादा ले ले, चाहे कैसा ही चैप्टर क्यों ना हो, आजकल इतने सारे रिसोर्सेज हैं, वीडियोज़ हैं, यूट्यूब है, इतना कुछ है, तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपका 2 दिन से ज़्यादा ले। तो उस सिनेरियो में तुम लोग को क्या करना है, अगर मैंने तुम लोगों को बोला कि यहाँ पे तुमने मान लो कि तुम लोग आज से पढ़ना शुरू करते हो, तो सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, देखो सितंबर में कितने वीकेंड्स आएंगे, 4 वीकेंड्स तो आएंगे, 4 सैटरडे संडे तो आएंगे,
तुमने एक सैटरडे संडे पे एक ही चैप्टर करा, ऑल्दो तुम ज्यादा भी कर सकते हो, इन केस एक ही करा, तो चार चैप्टर आपके बीएसटी के यहाँ हो गए, चार चैप्टर यहाँ हो गए, चार चैप्टर यहाँ हो गए, तब भी तुमने नवंबर एंड तक अपना बीएसटी का सिलेबस खत्म कर दिया, समझ रहे हो? तो बीएसटी आपका सैटरडे संडे में भी हो जाएगा भाई, पूरा हफ्ता बीएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सैटरडे संडे बीएसटी इंग्लिश आराम से करो, हो जाएगा। इसके बाद आपका अकाउंट्स और मैथ्स मैंने बता दिया, पांच दिन समय लगेगा, प्रैक्टिस लेता है, करो। इकोनॉमिक्स दो दिन मैक्रो, दो दिन इंडियन इको, सेम रूटीन है, चार चार हफ्ते पक्का आने हैं, तीन महीने में तुम सब कर सकते हो। तो टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ, थोड़ा सा अपने हिसाब से बैलेंस आउट कर सकते हो, बट ये बेस्ट है, ये मेरे लिए काम करा था, तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अब देखो बैलेंसिंग किस किस चीज में करनी है, टाइम की बैलेंसिंग करनी सीखो कि कितना समय किस चीज को देना है, कट डाउन करो आपका वो टाइम जो वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज कट डाउन करनी है। सर वेस्टेज कट डाउन मतलब कि ट्यूशन वाला टाइम, जो टाइम गैप आ रहा है वो कट डाउन, जो आपका ट्रैवलिंग में जा रहा है वो कट डाउन, उसके अलावा अगर तुम लोग कोई फालतू एक्टिविटी कोई ऐसी कर रहे हो जो एग्जाम में जरूरी नहीं है, कट डाउन कर दो, ठीक है। खाने पे ध्यान दो, फूड में सर नो एक्स्ट्रा फूड, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना यार, बहुत ज़्यादा खाना खा के नींद आती है, जितना ज़्यादा कई बार तुमने देखा होगा खा लिया हो उसके बाद लेट जाओ भाई साहब खत्म हो जाओ, भाई नहीं करना भाई, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, उतना खाओ जितना रिक्वायर्ड है और एक्टिव रहो, एक्टिव लाइफस्टाइल जियो, फोकस करो फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, जूस ले सकते हो, ये चीज़ें। अब जूस जब मैं बोलता हूँ तो रियल जूस बिल्कुल नहीं बोलता, फ्रेश फ्रूट जूस बोल रहा हूँ, जो वहीं जाओ वहीं निकलवाओ फ्रेश और पियो, ठीक है। टारगेट्स पे बैलेंस करो कि तुम्हारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, हर वीक का एक पूरा प्लान बनाओ, एक वीकली प्लान बनाओ, उसके बाद डेली प्लान बनाओ। मैं अपने पास एक डायरी हमेशा रखता हूँ, मेरी डायरी मेरे ऑफिस में रखी है, मैं पहले रोज रात को बैठ के 5 मिनट लगा के अगले दिन के टारगेट्स लिख लेता हूँ, और जब मैं सपोज आज ट्यूसडे है तो मैं जब आज के टारगेट्स लिख रहा हूँ ना, तो मैं उसको रात को ऐसे जब चेक करता हूँ कि हाँ यार सब कर दिया, तो मुझे लगता है यार क्या ट्यूसडे बिताया, सब हो गया। सिमिलरली दो टारगेट्स बनाओ कि वीक का क्या टारगेट है और डेली का क्या टारगेट है, और खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ यार मैंने पूरा करा, और अगर पूरा ना हो तो गिल्ट आनी चाहिए भाई साहब कि यार ये मैंने क्या करा, मुझे सक्सेसफुल कैसे बनूंगा, मैं किस तरीके से खुद को प्राउड फील कराऊंगा, किस तरीके से सोसाइटी में मेरा नाम होगा, किस तरीके से मैं खूब पैसा कमाऊंगा। तो टारगेट पूरे होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे तो गिल्टी फील करो उस चीज़ पर कि भाई क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद गोल्स तुम्हें बहुत क्लियर होने चाहिए कि यार मेरा विजन क्या है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। आज से 5 साल बाद तुम लोग वेल सेटल्ड, वेल्दी, हेल्दी, हैप्पी सब होने चाहिए। आज से 5 साल का विजन सेट करो, गोल सेट करो, इमेजिन करो कि तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो। ये एक पूरा हमारे एनवायरनमेंट का नियम है, जो तुम सोच सकते हो वो तुम बन सकते हो, वो तुम हो जाते हो। तो अपने आप को वैसा ही ट्रीट करना शुरू करो कि तुम बनना क्या चाहते हो यार, वैसा दिखो, अपने विजन सेट करो, 5 साल के टारगेट्स बनाओ। नो द व्हाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों शुरू करा है हमने, उसके पीछे पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्या मैं अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहता हूँ, मेरी वजह से वो खुश होंगे, क्या मैं खुद खुश रहना चाहता हूँ, क्या उस सोसाइटी जिसने मुझे हमेशा टारगेट कराया कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं हो, तुम ऐसे ही रहोगे, क्या हम उन्हें वो जवाब देना चाहते हैं, क्या हमारे दिमाग में एक प्लान है कि हम यार इस इंसान ने मुझे टारगेट किया था ना, मैं इसे बन के दिखाऊंगा, मैं इसे मुंह से कोई जवाब नहीं दूंगा लेकिन मेरी सक्सेस जवाब देगी। तो अपना वाई जानो, डेली ग्रो करो, चाहे थोड़ा पढ़ो बट डेली पढ़ो, डेली पढ़ना है भाई साहब, पढ़ाई आपके रूटीन में होनी चाहिए, डेली बेसिस पे पढ़ना है। मैंने आपको टारगेट बताया, बैलेंसिंग सिखाई, गोल्स बताए, इन चीज़ों को सीखो। अब क्या अवॉइड करना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जितने भी तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं वो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। जो तुम्हारी उम्र है ना, इस उम्र में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, थैंकफुली हमारे उम्र में सोशल मीडिया इतना नहीं था तो हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। डिस्ट्रैक्शंस हर उम्र में होती हैं, हमारे जब मैं तुम्हारे जितना था मुझे भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे, बट आजकल डिस्ट्रैक्शंस का लेवल 10x हो चुका है, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब डिस्ट्रैक्शंस में हो सकता है कि आप लोग किसी गलत रिलेशनशिप्स में हो, भाई साहब स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ अगर हो सकता है कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो इन चीज़ों को, रिलेशनशिप से बचो, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होना। इसके अलावा बहुत सारी हमारे बच्चे आजकल वेब सीरीज़ में लगे हैं देखने में, कृपया करके इससे भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें टीवी पे दिखाई जाती हैं,
आपके फ़ोन में आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती, रियल लाइफ स्टोरीज बहुत अलग होती हैं। तो उन्हें देख के इमेजिन करना बंद कर दो कि ज़िंदगी ऐसी होती है। भाई नहीं होती ऐसी ज़िंदगी, ज़िंदगी अलग होती है, ठीक है। इसके अलावा फेक सोशल मीडिया प्रेजेंस से बचो, फेक सोशल मीडिया प्रेजेंस। बहुत से लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि उनसे अच्छी ज़िंदगी कुछ नहीं है, वो लोग क्या इन्जॉय कर रहे हैं, और तुम लोग को वहाँ से गिल्ट आते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी बेकार है। प्लीज़ उनसे बचो, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ पॉजिटिव्स दिखाते हैं, रियल लाइफ कोई नहीं दिखा रहा, नेगेटिव्स कोई नहीं दिखा रहा, प्रॉब्लम्स कोई नहीं दिखा रहा, स्ट्रेस कोई नहीं दिखा रहा। जो लोग सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें खुश दिखाई देंगे, वही रात को डिप्रेशन की गोलियां खा के सो रहे होते हैं। तो कृपया करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाओ, डिस्ट्रैक्शन से बचो, सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज करो, पॉजिटिव वे में यूज करो। मोटिव ये होना चाहिए कि सोशल मीडिया से आप मोटिवेट हो, ना कि आप डीमोटिवेट हो, ना कि आप गिल्ट। गिल्ट फैक्टर तब हो जब गोल्स पूरे ना हो, गिल्ट फैक्टर किसी और को देख के ना हो कि उसकी ज़िंदगी अच्छी है मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने ऊपर फोकस करो, सोशल मीडिया को पॉजिटिव्स निकालो। फास्ट फूड अवॉइड करो, अगर हो सकता है तो अवॉइड करो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तुम लोग ले सकते हो 10 दिन में 15 दिन में एक आधी बार, बट फास्ट फूड अगर हो सकता है अवॉइड करो, क्योंकि इससे हमारे यूथ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यूथ में मुझे दिख रहा है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इसके अलावा शुगर की प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हार्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो फास्ट फूड अवॉइड करना है, ये भी आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करता है और आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब कर देता है। तो इस वीडियो में आई होप मैं आपको बहुत सारी सच्चाई दिखा पाया हूँ, आपको एक अच्छा टाइम टेबल का आइडिया दे पाया हूँ। गोल्स बैलेंसिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, और इस तरीके से तुम लोग जब फॉलो करोगे तो डेफिनेटली हम इस टारगेट को अचीव कर रहे होंगे। ये पढ़ने का टाइम है, हमें पढ़ना है और हम ये टारगेट लेके आएंगे। मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूँ हर चीज़ तुम्हारे लिए बनाने की, तुम भी मेहनत करो चीज़ें फॉलो करने की। कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ बन भी नहीं पाओगे, तुम कोशिश तो करो, तुम डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। हम कोशिश ही नहीं करते, खुद को गिल्ट में रखते हैं कि यार मैं गया, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। भाई साहब नहीं, तुम कैपेबल हो हर चीज़ करने के, तुम उठो, खड़े हो, अपने ऊपर भरोसा रखो और करके दिखाओ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। अगर लगता है आपको ये वीडियो यूजफुल है तो एक लाइक ज़रूर करना और सभी जगह शेयर करना। थैंक यू सो मच।